दोस्तों अभी कुछ 2 दिन पहले ही जो है माइक्रोमैक्स ने अनाउंस किया था कि वो जो है दोबारा जो है स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं और इस बार जो है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सब ब्रांड इन के नाम से जो है डिवाइस को लॉन्च करने जा रहे हैं, माइक्रोमैक्स इन की सीरीज चलाएंगे। तो हाल फिलहाल उसी को मद्देनजर रखते हुए माइक्रोमैक्स इन 1A डिवाइस जो है गीकबंच की साइट पर जो लिस्टेड हुआ है तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह जो है लीक हो चुकी है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्मार्टफोन जो है हीलियो P35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आएगा जो है, और इसमें जो है बिल्ट इन एंड्रॉइड 10 यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा, 4GB रैम का जो सेटअप देखने को मिलेगा और कहा जा रहा है रियर में जो है 2 कैमरा का जो सेटअप इसमें देखने को मिल सकता है। और इसने गीकबंच स्कोर पर जो है जो स्कोर हासिल किया है वो 903 जो है सिंगल कोर में और 4236 यानी कि 4326 जो है मल्टी कोर में जो इसने हासिल किया है। और कहा जा रहा है कि डिवाइस जो है जल्दी जो है नवंबर में ही जो है लॉन्च हो सकता है और इसकी प्राइसिंग जो है तकरीबन 7000 से 15000 के बीच में जो है ये पूरी सीरीज जो है लॉन्च हो सकती है इस डिवाइस में आने वाली डिवाइस जो है। तो आई डोंट थिंक कोई कुछ ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बट आई थिंक अगर ये डिवाइस के रेट कुछ एज ए कंपेरिजन ऑफ रियलमी और MI के डिवाइस से कम रखें तो मार्केट में तभी इनकी जगह जो है वापसी हो सकती है, बट अदरवाइज आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल होगा इनके लिए अपने टारगेट को अचीव करना। सबसे मेन है प्राइस, अब प्राइस क्या रखते हो डिवाइस की और फीचर क्या देते हो ये मायने रखता, तभी जाके आई थिंक कुछ हो सकता है। तो दोस्तों खैर वो तो देखते हैं कि डिवाइस लॉन्च होने पर कैसा परफॉर्मेंस करता है, कैसी मार्केटिंग करती है, बट हाल फिलहाल तो यही है कि डिवाइस 1A जो है सबसे पहले आएगा इन सीरीज में। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो जानकारी पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।